अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको आलू गोश्त का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास मैंने 5 आलू हैं, जिसको मैंने मोटा आलू गोश्त में जैसे आलू डालते हैं उसी तरह मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। इसमें 4 टमाटर हैं जिसका छिलका उतार के मैंने काट लिया, 2 हरी मिर्च हैं जिसको दरमियान में से मैंने यूँ कट लगा दिया, 4 कट लगाए हैं। ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसमें 1 प्याज जाएगा और 250 ग्राम इसमें बीफ डाल रही हूँ मैं। बीफ भी बिल्कुल छोटी मोटी है, बिल्कुल थोड़ा सा गोश्त है ये। इसमें मैं 1 टीस्पून डालूँगी सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ये जो बीफ है ये मैंने बॉईल कर लिया है, 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें बॉईल करते हुए डाला था, 1 टीस्पून मैंने इधर डाल दिया है। तो इसमें 1 टीस्पून नमक है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 3 आलू बुखारे हैं। अब ये जो जिसमें मैंने गोश्त बॉईल किया ये वो है यखनी उसकी, ये मैं इस चावलों में ही डालूंगी। अब ये देखें, देश्की में मैंने ये प्याज डाल दिए, ये मैंने 1 प्याज लिया है, थोड़े से बड़े साइज का 1 प्याज लिया। साथ मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, अब मैं प्याजों को थोड़ा सा सर्व करूंगी। आलू गोश्त तो आपने बड़ी दफ़ा खाया होगा, आज आलू गोश्त वाला पुलाव खाए हैं, ऐसे बनाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें प्याज हो गया सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसका थोड़ा सा कलर निकालूंगी। मैंने इसमें 2 सिप पानी के डाले हैं, इससे इसका ये प्याजों का जो कलर है वो निकल जाता है। अब ये जो मैंने इसमें आलू काटे हैं ये डाल रही हूँ, ये मैं 1 किलो चावलों के साथ बनाऊंगी। चावल मैंने भिगो दिए हैं, आलू थोड़े बड़े साइज के हैं तो थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको, हम जो इतना थोड़ी देर करेंगे इसी में फ्राई। इसके साथ ही मैं जो मेरे पास बीफ है ये भी मैं डाल रही हूँ, ये बॉइल्ड बीफ है। हम अच्छा सा एक मसाला तैयार करते हैं, इसके साथ ये मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये 4 टमाटर हैं जिनका मैंने छिलका उतार के काट लिया है। ये देखें मसाला, ये चाट मसाला वो ही है जो मैंने आपको पहले पीसना बनाना सिखा दिया है कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे पीसते हैं इसको। इसमें मैंने 7-2 स्ट्रिप्स इसमें दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची है, ये भी मैं अभी डालूंगी। Thank you.
अब मैं इसमें सारा मसाला डाल रही हूँ, साथ ही ये अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से गोश्त भून चुका है आलू और गोश्त। अगर आप इसमें गोश्त की मकदार बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप अपनी पसंद से गोश्त ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं ये जिसमें मैंने अपना बीफ बॉईल किया था वही पानी जो उसकी यखनी थी वही मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी हम इसको बॉईल करेंगे। आलू चेक कर लेते हैं, ये देखें ये 1 किलो चावल है जिनको मैंने आधा घंटा तकरीबन भिगो के इसका पानी निकाल दिया। ये बासमती चावल है। देखिए पानी का वही हिसाब जो मैंने आपको पहले बताया, चावलों से थोड़ा सा, चावलों से इतना ऊपर होना चाहिए पानी। पहले मैं आपको चावल जब भी बनाए हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको पकने देंगे कवर करके। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। व्यूअर्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। देखिए पानी खुश्क हो गया इसका अच्छे तरीके से। ये देखें ये येलो फूड कलर है, ये मैंने थोड़े से दूध में इसको मिक्स किया, ये मैं अब इसके ऊपर डाल रहा हूँ। मैं इसको रुमाल से दम दूंगी, ये खुश्क रुमाल है, ये मैंने इसके ऊपर रख के ढक्कन रख के इसको कवर कर दूंगी। और मैं दम में तवा नहीं रखती, देखें मैं ये कवर करके इसको
दम पे रख दूंगी इसको, मैं 10 मिनट का दम दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसके नीचे तवा नहीं है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ दम देख इसका पूरा होता है तो। ये देखें हमें हमारा आलू गोश्त का पुलाव तैयार है। ये बड़ी ज़बरदस्त राइस है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसका चूल्हा हम कर रहे हैं बंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।